आज के इस वीडियो में ईमित्र कियोस्क के लिए दो जरूरी अपडेट में लेके आया हूं। पहली अपडेट है आरटीई योजना के बारे में, जिसके फॉर्म ईमित्र से भरे गए थे। अगर आप एक ईमित्र कियोस्क हैं और आरटीई योजना के फॉर्म भरते हैं तो आपको पता होगा कि इसके फॉर्म भरे गए थे, लेकिन फॉर्म भरने के बाद उसका जो रिजल्ट आने वाला था उसे होल्ड कर दिया गया था और कहा गया था कि इसकी जो नोटरी है वो बाद में निकाली जाएगी, किसी कारणवश उसको होल्ड किया गया था। लेकिन अब इसका जो नया टाइम फ्रेम है वह जारी हो चुका है और नए टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 19 मई से इसकी नोटरी निकलने वाली है, इसका रिजल्ट आने वाला है। तो आरटीई योजना का जो रिजल्ट आने वाला है वह है 19 मई। 19 मई को जैसे ही रिजल्ट आएगा तो यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर आप प्रिंट करके अभिभावक को देंगे, अभिभावक स्कूल में जाके रिपोर्टिंग करेंगे और ऑनलाइन भी इसकी रिपोर्टिंग की जा सकती है। तो उसके बारे में वीडियो बना के आपको जानकारी दे दूंगा। जैसे ही इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार से आप ऑनलाइन स्कूल के अंदर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्ट स्कूल में जाके भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। तो जिस भी स्कूल के अंदर आपको प्रवेश लेना है वहां के स्कूल संचालक के द्वारा जो भी आपको कहा जाए उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। तो ये थी पहली अपडेट जिसका टाइम फ्रेम भी आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे। दूसरी अपडेट जुड़ी हुई है, जो आठवीं बोर्ड के एग्जाम हुए थे उसका रिजल्ट आज दोपहर को आने वाला है। तो जितने भी आठवीं बोर्ड का एग्जाम जिस किसी भी स्टूडेंट ने दिया था उनके लिए ये एक बड़ी अपडेट है कि आज उनका रिजल्ट आने वाला है, तो वो ऑनलाइन इस रिजल्ट को बड़े ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही रिजल्ट जारी होगा उस समय मैं इसी वीडियो के नीचे उसका लिंक अपलोड कर लूंगा, तो उस समय वापस आप इस वीडियो पे क्लिक करके उस लिंक पे क्लिक करेंगे और आपको रिजल्ट डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप ऑनलाइन आठवीं बोर्ड का रिजल्ट बड़े ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आठवीं बोर्ड का रिजल्ट आज ही आने वाला है। इसके अलावा जो आरटीई का रिजल्ट है वो 19 मई को आने वाला है। तो दोनों ही अपडेट थी जो कि ईमित्र कियोस्क के लिए व यहाँ पे स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थी। तो दोनों ही अपडेट की जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे कि ऐसे ही और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बाय बाय दोस्तों।